शहर के कुख्यात दो ऐसे खंडनी के आरोपी हैं जो पिछले एक वर्षों से पुलिस के हाथ नहीं लगे थे, लेकिन शांतिनगर के जांबाज पुलिस वालों ने आखिरकार दोनों शातिर आरोपियों को ढूंढ निकालकर गिरफ्तार किया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खंडनी के दो कुख्यात आरोपी फरार थे, लेकिन पुलिस के मुखबिरों के जरिए आरोपी कहां पर है इसकी जानकारी शांतिनगर पुलिस को मिली। पुलिस ने भी दलबल के साथ दोनों कुख्यात खंडनी और मौका के आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी बड़े क्रिमिनल माइंड के थे। जबरन गुंडागर्दी करके किसी से भी पैसे ऐंठना, हथियार दिखाकर डराना धमकाना आदि काम ये आरोपी करते थे। पान ठेले वाले ने पैसे देने से मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी ये आरोपी देते थे। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों का पीसीआर मिले, इसलिए कोर्ट में अर्जी दी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के बारे में शांतिनगर के पुलिस निरीक्षक सुनील चौहान ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी है। हाँ, एक दोन दिवसापासून पहिल्यांदा आपण शेख वसीम उर्फ चिरिया हा रेकॉर्डेड गुन्हेगार आहे। त्याला तो फरार होता, खंडणीचा गुन्हा करून फरार होता। त्याला सीतापणी अटक केलं होतं, त्याच्याकडनं पण आपल्याला हत्यार जप्त केलं होतं त्याच्या अंगजडतीमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये अटक करून नंतर आता पुन्हा खंडणीच्या गुन्ह्यात त्याला आपण अटक केलेली आहे, पीसीआर घेतलेला आहे। आणि दुसरा फरार आरोपी होता भोगे, तिरुपती भोगे, रेकॉर्डेड आहे, त्याच्यावर मोकासारखे पूर्वी गुन्हे होते आणि तो गेले वर्षापासून फरार होता। आणि तोसुद्धा काल येणार अशी माहिती मिळाली, त्या माहितीच्या आधारे डीबी टीमने त्याला पकडलेलं होतं। त्याच्याकसुद्धा आपल्याला अवजार मिळालं, त्यावरून त्याच्यावरसुद्धा 425 ची कारवाई केली, काल त्याला अटक केलं। आता नंतर आमच्याकडं जुना गुन्हा आहे, त्याच्यामध्ये तो फरार आहे गेल्या साधारणतः वर्षापासून, त्यात त्याला पुन्हा अटक करून त्याचा तपास करायचा आहे। कार्रवाई में शांतिनगर के एपीआई संतोष मुड़े, पीएसआई राजनारायण तिवारी, पुलिस हवलदार प्रवीण गोटे, सचिन खड़से, जितेंद्र रेड्डी आदियों ने जाबाज कार्रवाई की है। शांतिनगर पुलिस थाने से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।